कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। अहमदाबाद की एक फूड वैन मंजू बानू रसोड़ू गरीबों और जरूरतमंदों को निशुल्क ताजा भोजन उपलब्ध कराकर इस मुहिम को साकार करने में मदद कर रही है। स्लम क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को भोजन के लिए बुलाया जाता है और फूड वैन के जरिए प्रतिदिन 700 से 900 लोगों को भोजन परोसा जा रहा है। बाराबंकी के किसान मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी मछली पालन के वियतनाम मॉडल का अनुसरण कर कम जगह में अधिक मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं। जहां लोग आमतौर पर 60-65 एकड़ का उपयोग करते हैं, वह केवल 6 एकड़ भूमि का ही उपयोग करते हैं, जिससे खेती को अधिक लाभदायक और आसान बनाने में मदद मिल रही है। नवंबर 2021 में मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ मछली किसान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के परदसिंगा गांव की महिलाओं ने देसी बीज बैंक बनाया है, जहां ग्रामीण महिलाएं बीजों के संग्रह से लेकर उनके वितरण तक सभी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। वह स्वदेशी बीजों को संरक्षित करके सीड बॉल, कैलेंडर, पटाखे और राखी जैसे उत्पाद बनाकर बेचते हैं। इस मुहिम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है।